अब बात करते हैं देश के एक राज्य में एक मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, जिनको लेकर एमपी में एक बार फिर सियासत गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सागर से लापता ओबीसी नेता मान सिंह पटेल के मामले की जांच के लिए एक नई एसआईटी के गठन का निर्देश दिया है। सागर से ही आते हैं मंत्री जी। मामले की जांच के लिए गठित पहले की एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपर्याप्त माना था, इसलिए अब मामले में एक नई एसआईटी का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा आदेश में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे, इसमें अन्य राज्यों के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्थानीय पुलिस की आलोचना भी की है। कोर्ट जनता की शंकाओं को दूर करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच में क्लैरिटी की जरूरत पर जोर दे रही है। स्पष्टता होनी चाहिए जांच। मान सिंह पटेल 2016 में एक जमीन विवाद के बीच लापता हो गए थे। उनके बेटे सीताराम ने उस वक्त के कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह राजपूत, जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, और उनके सहयोगियों पर अपने पिता के लापता होने में शामिल होने का आरोप लगाया। सीताराम द्वारा शिकायत दी गई। तमाम प्रयासों के बावजूद भी पुलिस ने केवल एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की कि इनके पिता लापता हो गए। गोविंद सिंह राजपूत उन 22 विधायकों में भी शामिल हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर कमलनाथ के खिलाफ बगावत की थी और बीजेपी की सरकार बनवाई थी। वो पहले की सरकार में कमलनाथ की सरकार में भी मंत्री रहे और अभी मंत्री। गोविंद सिंह राजपूत शिवराज सरकार में भी मंत्री थे। अब मोहन यादव की सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। चाहे जब ये मामला हुआ तब राजपूत कांग्रेस के ही विधायक थे, अब कांग्रेस इस मामले को तूल दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रकरण मामला वाकई गंभीर है। जमीन हड़पने के लिए राजस्व मंत्री ने उनके परिवार ने साजिश की है, इस तरह का आरोप है। वो बहुत कीमती जमीन है। पटेल सुबह राजपूत के परिवारजनों से मिलने आया था, उसके बाद ये गायब है, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा। इस पर एमपी सरकार में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा, मैं चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, निष्पक्ष जांच हो, ये शासन की भी सरकार की भी जिम्मेदारी है। वो आगे कह रहे हैं कि चूंकि कोर्ट ने मेरा नाम नहीं लिया, लिहाजा साफ हो जाता है कि कोर्ट को मेरे खिलाफ लगे आरोपों में कोई दम नहीं दिखा है। गोविंद सिंह राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आरोप उनके खिलाफ सियासी साजिश हैं जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं। अगर कोई मेरे खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भ्रामक प्रचार करेगा तो उनके खिलाफ मैं न्यायालय में जाऊंगा, नहीं माने तो मैं मानहानि का केस भी दर्ज कराऊंगा। ये वार्निंग भी गोविंद सिंह राजपूत ने दी। मानसिंह पटेल दरअसल जो गायब हुए, जिनको लेकर ये पूरा मामला है, उन्हीं की जमीन सागर जिले में थी। आरोप है कि मौजूदा राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उस पर काबिज है। उन पर जमीन पर कब्जा को लेकर आरोप लगाया गया था। राजपूत जब जमीन पर कब्जा कर रहे थे तब मानसिंह पटेल ने 2016 में सिटी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और संबंधित थाने में नामजद शिकायत की थी। इसके बाद 2016 से मानसिंह पटेल लापता हैं। मामला 2016 का है। तब गोविंद सिंह राजपूत पर सागर के पीली रोड पर स्थित उनके कॉलेज से लगी हुई एक जमीन को हड़पने के आरोप लगे थे। ये जमीन मानसिंह पटेल नाम के शख्स की ही थी जिसकी कीमत तब 1.11 करोड़ रुपए दरअसल बताई गई थी। और बताया जा रहा है कि इसी जमीन पर कैम्ब्रिज स्कूल बना हुआ था। जब जमीन को लेकर गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर होने का पता चला मानसिंह को, तब उसने तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन दिया था। तब इस मामले में गोविंद सिंह ने माना था कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि कैसे मानसिंह की जमीन उनके नाम पर हो। मंत्री साहब ने बताया कि उनको पता नहीं कि कैसे जमीन उनके नाम पर हो। इसके बाद मामले का समझौता करने के लिए मान सिंह को गोविंद सिंह राजपूत द्वारा बुलाने की बात सामने आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नई एसआईटी को 4 महीने के अंदर जांच करनी है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि मामले में मान सिंह पटेल का हुआ क्या हुआ, उसको लेकर उनकी तरफ से जानकारी दी जानी है। 4 महीने का पूरा वक्त तय किया गया।